आज आपको लेकर चलते हैं सीरियल भाभी जी घर पर है के सेट पर, जहां पर एक अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, शो में मस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर स्टार्स किस सीन की शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग करने में स्टार्स को कितना वक्त लगता है। 5 लाख रोलिंग एक्शन। 5 लाख डेढ़ तो अगले साल की पड़ी है बेटा, अगले साल डालो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा मतलब है जेंटलमैन, भाभी जी की आने की खुशी में है ना, लेट्स डांस। यस लेट्स डांस। जरा फोर्सफुली बोलता ना ताकि म्यूजिक शुरू हो जाएगा। रेडी? ठीक है, रेडी, लेट्स डांस, रेडी, रोल। हाँ, एक कर देना कुछ रोलिंग, रेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडी। एक एक लाफ्टर के साथ लेते हैं। अनुप, तुम्हारा लास्ट जोक होगा सबका लाफ्टर, एक फालतू लाफ्टर, और लाफ्टर में तुम्हारा डायलॉग मर्ज कर देना। रेडी? सब लोग हंसेंगे भाई। रोल अनुप, लास्ट लाइन में एक्शन। अब आपको लेकर चलते हैं तिवारी जी, विभूति जी और अनीता भाभी के पास और उन्हीं से जानते हैं कि उनका सीन को लेकर क्या कुछ कहना है। तो अभी ये गुड मोमेंट है दोनों के लिए। तिवारी जी, विभूति जी दोनों बड़े खुश हैं क्योंकि उनको मिल गई, उनकी एक को पत्नी मिल गई, एक को भाभी जी मिल गई है। नहीं, एक को पत्नी, एक को माशूका मिल गई। भाभी जी मत बोलिए प्लीज। प्लीज प्लीज, तिवारी जी, तिवारी तिवारी जी वोंट लाइक इट। ये बेसिकली बोलते भाभी जी के अंदर से निकलता माशूका। अच्छा, तो आपके घर में आपको लग रहा है कि तिवारी जी की थोड़ी एंट्री बैन करनी पड़ेगी, अब आ जाएंगे फिर से परेशान करेंगे? मैं तो दौड़ा लेता हूँ, आते तो क्या भाई, ये खुद दौड़ा देती है। मैं क्या, ये तो हड़का देती है तिवारी, ये बेचारे रोमांस करने रोमांस नहीं रोमांस करने आते हैं, रोमांस रोमांस करने आते हैं इनको, इनके साथ, लेकिन ये हड़का देती है। वो हड़काना मोहब्बत भरा होता है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा ऐसा नहीं कि हट, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट बेचारे नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप पे जा नहीं पाते, अगले स्टेप पे जा नहीं पाते तिवारी। अगला क्या है कि नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पाते, उसी लेवल पे है। और गार्ड्स आर टू हाई, आई नो। असमंजस में हो अनीता, नेहा एज अनीता भाभी, असमंजस में दोनों जगह से। यहाँ पर तिवारी जी आपके नेबर हैं, यहाँ पर आपके हस्बैंड हैं, क्या खुशी है? मतलब ऑब्वियसली इतना इंतजार कर रहे थे वो आपके आने का, क्या क्या कंफ्यूज, मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये भी वेट कर रहे हैं आपका, ये भी वेट कर रहे हैं, क्या मतलब आपकी फीलिंग्स क्या है कि यू आर बैक इन द कैरेक्टर, अनीता भाभी के कैरेक्टर में आप आ रहे हैं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे दोनों के लिए, कोई मैसेज हस्बैंड के लिए? मैं दोनों के लिए और हमारे अंगूरी जी के लिए भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि तीनों ने बड़े बेसब्री से इस कैरेक्टर का अपने अलग अलग पर्सनल रीजंस के वजह से इंतजार किया है। तो इनका रीजन तो बड़ा ऑब्वियस था भाई का, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, सबके अपने अपने बड़े पर्सनल स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि मुझे लगता है कि इस शो का फाउंडेशन इस चार पिलर्स पे है, एंड अगर एक बैलेंस किया तो प्रेशर बाकी तीनों पर ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे किसी का आना, मेरा या किसी का भी आना ज़रूरी था, और मैं आ चुकी हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो अब मुझे मैक्सिमम अपना बेस्ट देना है, चौके छक्के जो उड़ाने हैं वो उड़ाने हैं बस, और एंटरटेन करना है। अभी बहुत हो गया ये कि कंपैरिजन, प्रेशर, ये वो फलाना ठिकाना ढमकाना, वो सब साइड में रख के अब क्लीन हार्ट से सिर्फ एंटरटेन करना है, ईजिली फ्लो करना है और आगे ऊपर वाले। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे आपको, आई एम श्योर यू वुड नॉट नो, तिवारी जी बहुत बहुत ही ज्यादा टाइम लेके तैयार हो रहे थे रिफ्रेशिंग अवतार में भाभी जी को वेलकम करने के लिए। अच्छा, ये क्या, ये सच है? कब की बात है यार? ये अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये इस अटायर में आए तो मुझे यही पहनना था। अच्छा, क्यों ऐसे फिर? ऐसा ये ऐसे आगे फिर आप ऐसे क्यों कर रहे मेरे साथ? उन्होंने कुछ ऐसा किया, तो मैं जो था थोड़ा सा और मैंने करवाया। अच्छा, मेकअप करवाया जी? ज्यादा करवाया।